आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के क्रम में भारतीय रेल द्वारा एक इनोवेशन पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से भारतीय स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, एकल इनोवेटर, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी इस योजना में प्रतिभाग कर सकेंगे। भारतीय रेल ने परिचालन चुनौतियों, हेडवे में सुधार, ट्रैक स्वच्छता, फ्रैक्चर रेल की पहचान आदि से निपटने के लिए स्टार्टअप एवं अन्य संस्थाओं के भागीदारी के माध्यम से नवाचार इनोवेशन नीति जारी की है। नवाचार नीति के माध्यम से देश के प्रतिभाशाली युवा नई तकनीक के माध्यम से रेलवे के बड़े विकास में योगदान दे सकेंगे। इस बारे में पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम के प्रथम चरण में विभिन्न मंडलों एवं क्षेत्रीय रेलों में प्राप्त प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में से 11 मदों को सम्मिलित किया गया है। इन्हें नवोमेशी समाधान, इनोवेटिव सॉल्यूशन खोजने के लिए स्टार्टअप के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। फील्ड यूनिटों से प्राप्त 11 प्रॉब्लम स्टेटमेंट को न्यू इनोवेशन नीति के तहत चिन्हित किया गया है, जिन्हें पोर्टल पर अपलोड किया गया है, जो निम्नवत है: ब्रोकन रेल डिटेक्शन सिस्टम, रेल स्ट्रेस मॉनिटरिंग सिस्टम, उपनगरीय खंडों के लिए हेडवे इम्प्रूवमेंट सिस्टम, ट्रैक निरीक्षण गतिविधियों के लिए ऑटोमेशन, भारी माल की ढुलाई हेतु वैगन के लिए सुपीरियर ईएम पैड की डिज़ाइन, थ्री फेस के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के ट्रैक्शन मोटर हेतु ऑनलाइन कंडीशन मॉनिटरिंग सिस्टम का विकास, नमक जैसी सामग्री की ढुलाई के लिए हल्के वजन के वैगन, यात्री सेवाओं में सुधार के लिए डिजिटल डेटा का उपयोग, ट्रैक क्लीनिंग मशीन, पोस्ट ट्रेनिंग रिवीजन एवं सेल्फ सर्विस रिफ्रेशर कोर्स के लिए ऐप, पुल निरीक्षण के लिए रिमोट सेंसिंग, जियोमेटिक्स एवं जीआईएस का उपयोग। भारतीय रेलवे की नवाचार नीति इनोवेशन पॉलिसी की प्रमुख विशेषताएँ निम्नवत हैं: इनोवेटर को ₹1.5 करोड़ तक की राशि समान साझेदारी के आधार पर अनुदान, प्रॉब्लम स्टेटमेंट से विकास तक की प्रक्रिया ऑनलाइन निर्धारित समयावधि में, रेलवे द्वारा प्रोटोटाइप ट्रायल किया जाएगा, प्रोटोटाइप के सफल प्रदर्शन पर बढ़ी हुई धनराशि प्रदान की जाएगी, इनोवेटर्स का चयन एक पारदर्शी एवं निष्पक्ष प्रणाली द्वारा किया जाएगा, विकसित इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR इनोवेटर्स के पास ही रहेगा, इनोवेटर को एश्योर डेवलपमेंट ऑर्डर विलंब से बचने के लिए उत्पाद विकास प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण, भारतीय रेल स्टार्टअप के माध्यम से उन्नत तकनीक को अपनाकर गाड़ी संचलन आने वाली चुनौतियों से निपटेगी, नई तकनीक के माध्यम से 11 मदों पर इनोवेटर रेलवे के विकास में योगदान दे सकेंगे। भारतीय रेल द्वारा लॉन्च इनोवेशन पोर्टल वेबसाइट www.innovation.indianrailways.gov.in पर उपलब्ध है, जिसमें इस नीति के बारे में सूचनाएं दी गई हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने कहा, कल रेलवे बोर्ड पर ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ रेलवेज ने स्टार्टअप फॉर रेलवेज करके एक इनोवेशन पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से जो स्टार्टअप्स हैं, इंडियन स्टार्टअप्स, MSMEs हैं या कोई कंपनी है या फिर कोई इंडिविजुअल इनोवेटर है, वो रेलवे से संबंधित कोई भी आइडियाज़ को अगर इम्प्लीमेंट करना चाहता है, ऐसे आइडियाज़ जिससे रेलवे की जो संरक्षा है, जो सेफ्टी है या जो परिचालनिक सुविधा है या यात्रियों की सुविधा है वो और बेहतर हो सके, इससे संबंधित चीज़ों के लिए अगर कोई लो कॉस्ट सोल्यूशन लेकर आता है जो किफ़ायती सोल्यूशन हो तो उस पर विचार किया जाएगा। इसके लिए रेलवे ने जो पोर्टल लॉन्च किया है www.innovation.indianrailways.gov.in, इस पर आप जाएंगे तो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट करके अपलोड किया हुआ है, जिसमें 11 अलग अलग एरियाज रेलवेज ने स्पेसिफाई की हुई हैं कि इन एरियाज में अगर आपके पास कुछ नई टेक्नोलॉजी है, कोई नए आइडियाज़ हैं, नया इनोवेशन आप करना चाहते हैं तो उसको लेकर आ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं शेयर करूँ तो जैसे रेल फ्रैक्चर होता है विंटर्स में, उसके लिए रेलवे पेट्रोलिंग कराती है, नाइट पेट्रोलिंग होती है विंटर्स में,
अगर कोई ऐसा आइडिया या ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसा सोल्यूशन लेकर हम आते हैं जिसके माध्यम से वो डिटेक्शन जो रेल फ्रैक्चर का है वो हम कहीं कंट्रोल के माध्यम से दे सकें, SMS के माध्यम से दे सकें, तो वो रेलवे के लिए बेनिफिशियल होगा। इसी प्रकार के 11 अलग अलग फील्ड रेलवे ने जो है डिसाइड किया हुआ है, जैसे जो इंस्पेक्शंस होते हैं रेलवे के उसमें ऑटोमेशन किया जा सके, या जो वैगन्स जिसमें माल की ढुलाई होती है उन वैगन्स को लाइट वेटेड बनाया जा सके जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वांटिटी है कमोडिटी की वो ढुलाई हो सके उसकी, इससे काफ़ी सस्ता हो सकेगा ढुलाई रेलवे में। प्लस जो ट्रैक क्लीनिंग मशीन, जैसे मान लीजिए कि अभी जो क्लीनिंग ट्रैक की होती है मैनुअल होती है, उसके लिए कोई अच्छा मशीन डेवलप कर सके। इस प्रकार से कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनको रेलवे ने आइडेंटिफाई किया है, और उसके लिए जो नए स्टार्टअप्स हैं, इंडियन स्टार्टअप्स या इनोवेटर्स हैं, वो इसके लिए उस पोर्टल पर जाकर 21 जून से जो अपलोड करने का है प्रपोजल वो स्टार्ट होगा, तो 21 जून से जाकर उस पर अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसमें रेलवे ने जो है जो भी प्रोडक्ट बनाएगा उसके साथ 50% की कॉस्ट शेयरिंग भी रहेगी रेलवे की, एंड जो प्रोडक्ट बनेगा फाइनल उस पर जो IPR होगा उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वो क्रिएटर का होगा, जो प्रोडक्ट बनाएगा उसका होगा। इसे जो आत्मनिर्भर भारत का एक सपना है, जो आत्मनिर्भर भारत बनने की तरफ भारत अग्रसर है, उसको काफ़ी मदद मिलेगी, और जो हमारी नई टेक्नोलॉजीज हैं वो सामने आएंगी। बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में जो पुरानी टेक्नोलॉजी है वो चलते रहती है और उसको बदलने में काफ़ी समय लगता है, लेकिन इस नए स्टेप से, नए कदम से एक नई उम्मीद रेलवे में बढ़ी है। एक बहुत बड़ा क्षेत्र है रेलवे में जहाँ पे इनोवेशन की आवश्यकता है, और लगातार जो हमारे रेलवे मैन हैं वो इनोवेशन इसमें कर रहे हैं। इन इस तरह का एक प्लेटफॉर्म जो यंग टैलेंट्स हैं उनके लिए रेलवे ने दिया है, और सभी से अनुरोध है, सभी से अपील है कि इसका लाभ उठाएँ और इस पोर्टल पर जाएँ, जो इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उनका अध्ययन करें और अपना प्रपोजल्स बनाएँ। इसमें फ्लो चार्ट भी दिया हुआ है एंड सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होनी है, तो मैं अपील करूंगा जो हमारे यंग टैलेंट्स हैं, युवा इंजीनियर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, कि इसमें अप्लाई करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और जो रेलवे बोर्ड में एक कमेटी है वो आपके प्रपोजल्स पे विचार करेगी, उसके बाद जिनका प्रपोजल्स शॉर्टलिस्ट होगा उनको प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसकी पूरी डिटेल, इस पूरे प्रोसेस की जो मैंने वेबसाइट शुरू में ही आपको बताई, www.innovation.indianrailways.gov.in, उस पर जाकर आप और डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें से जैसा मैंने बताया, इंडियन स्टार्टअप्स जो मीडियम सेक्टर के MSMEs या स्मॉल सेक्टर के या माइक्रो सेक्टर के हैं, ऐसे इंटरप्राइजेज प्लस कंपनी जो हैं लिमिटेड, वो भी हिस्सा ले सकती हैं, और कोई इंडिविजुअल इनोवेटर है तो वो भी इसमें हिस्सा ले सकता है।